You feel connected to this Jesus. I feel very connected to this Jesus. ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ देयर आर ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਹਾਊ ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੈਪਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸਭੀ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਰਿਪਨਾ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗਾਣੇ ਵੱਜਣ ਦੋ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇੜੀ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਫਾਈਨਲੀ ਹਮਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾ? अभी हाँ, प्लस सेवन छुट्टियों से आई है अभी। yes. तो अभी पूछ लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस था। यस यस, मैं सीधा बाली से उतर के दिल्ली की सड़कों पे आ गई हूँ, जहाँ मुझे एक घंटे का रास्ता तीन घंटे में मुझे तय करना पड़ा। सो आई एम इन द बेस्ट स्पेस पॉसिबल। सो भगवान ऐसे करते ना, अर्श से सीधा फर्श पे लद दिया दो मिनट में। आसमान से टपके खजूर में। ऐसा कितना काम कर लिया यार अभी रिसेंटली की छुट्टी की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अभी तो ईपी का सिर्फ एक गाना रिलीज हुआ। एक गाना रिलीज हुआ है, लेकिन सुनने वालों को कभी कभी अटपटा लगता है। एक्चुअली लिसनर्स को उतना बिलीवेबल नहीं लगता, बट बिहाइंड एवरी सॉन्ग देयर इज लाइक इतने महीनों का, कई बार सालों का आपका। सो आई एम नॉट दिस पर्सन जो छुट्टी लेती है। अच्छा। मैं बड़ी ही लगातार लगी रहती हूँ उसके अंदर, भाग दौड़ के अंदर। सो विच इज वाई मेरी जो बेस्ट फ्रेंड उसने कहा कि तेरे को तो मैं छुट्टी पे लेके जाऊंगी, तेरा गाना रिलीज होने दे। अच्छा। मैं देखती हूँ तो कैसे नहीं जाती। अच्छा। सो ज्यादा नहीं, हमने चार दिन का वेकेशन। सो छुट्टी खुशी से मनाई गई थी कि यार गाना रिलीज हो जाता है। एब्सोल्युटली खुशी से, मतलब मैं तो हर पास से जाके हैं पूरे ग्लैमर लाइफ आगे शूट करके आई हूं। सो कितना लगता है यार कि हुन एकदम काम ना बद गया, चंडीगढ़ दी घोड़ी ठीक है, मुंबई शिफ्ट हो चुकी है, उधर रह रही है, काम कर रही है। I mean it's God's grace and I read it somewhere actually. Yes. Let me see, ये जो आर्टिकल खुलिया हुआ है जे भी, इतने लिखा हुआ सीगा कि रियलिटी शो द एक्सपीरियंस लैंड तो बाद में चीज एक्सेप्ट कर लिया सीगा कि दिस इज गॉड्स विल। यस। है ना? Yes. तो वो ऐसा क्या लगा कि यार इतनी बड़ी बात बोल दी? या तो इंसान तब बोलता है जब इंसान बहुत हताश होता है, या तब बोलता है जब बोलता है यार चल ठीक है, जब इंसान की बेसिक नेचर ही होती है गो विद द फ्लो। तो क्या रीजन था यार वो? जिने माहौल में पैदा हुई है ना, आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी स्पिरिचुअली अवेयर माहौल। अच्छा। मेरी जड़ी फैमिली है, दे आर वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड। सो एक और लर्निंग है जड़ी मैं शुरू तो रखी है आप दे नाल कि गुड और बैड इट्स गॉड्स विल। लाइक काम का होना अच्छी बात है, बट काम का ना होना और भी अच्छी बात है। अच्छा। सो दैट इज द माइंडसेट आई हैव ग्रोन अप विद व्हेन द वॉइस हैपेंड। ते उस तो बाद आई वाज लाइक कि ओके, लाइक एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड हजे भी कितना कितना नर्वसनेस रहती है जदों एक स्मॉल टाउनर ने शिफ्ट होना होवे मुंबई वर्गे शहर च। उदों सीगा इदां कुछ के यार घर दे मन नहीं रहे या वैसे तो आई डोंट थिंक सो कभी होगा बिकॉज़ पेरेंट्स खुद इतना ग्रो कर चुके हैं माइंडसेट के साथ आजकल। एक्चुअली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद बहुत ही ब्यूटीफुल पेरेंट्स। मेरे पापा बड़े सपोर्टिव ने, लाइक पापा इज लाइक माय सुपर हीरो जिंदगी दे। माय मम्मी ओना दे ना जिद्दा दिल च कुछ होंदा सीगा कि हाय कुड़ी बाहर चल रही है, कदे कल्ली रही नहीं। लाइक जे रही भी तो रियलिटी शो च जाके रही, दो तीन महीने ला के आपा वापस मुड़ जाने हैं, उथे प्रोविजंस भी बहुत डिफरेंट होंदे हैं। पर पढ़ाई भी सी उथे कीती है जो एग्जैक्टली ओनली गर्ल्स कॉलेज सीगा है ना, तीन साल में मुंडिया तो दूर रही। ओदो पता लग गया सीगा कि दूर ही रहो तो ठीक है। But the good part is because MCM college अपना इतना famous है चंडीगढ़ का, वो पूरा गेड़ी रूट बने होंगे। सो जब साडा जो कॉलेज ऑफ होंदा सीगा उदो ए पूरी मतलब एक तो बाद थार जा रही है, BMW जा रही है, 26 32 है, 36 36 है, 36 है, 36 है। जब असि बाहर निकलना, लाइक आई यूज्ड टू टेक माय कॉलेज बस, ते बाहर निकलदे सार इतना पैक्ड होंदा सीगा कि सिर्फ कॉलेज दी रोड तो बाहर निकलन च सानू आधा पौना घंटा लगदा होंदा सीगा। इट वाज डैम क्राउडेड। ते कदे मुंडियां नू तंग कीते गेड़ी मारदे होए? मैं आई हैव बीन अ वेरी साउ किड प्लीज। आई हैव बीन एज शरीफ एज अ चंडीगढ़ गर्ल कैन बी। इनफैक्ट मेनू कई बार मुंडे तो स्टॉक भी नहीं करदे कदे वेले बैठे, स्टॉक तो करदे होंगे। हां हुन I think there was a phase when मैं like I mean like, I'm a like work oriented. You know, okay. I'm so busy. I have no time. So किवें दा लग्गिया हुण कि गाना release हो गया, लोकी पहचान रहे होने बहुत ज़्यादा? Thankfully, like it's all God's grace. It just started. मैंने लगता कि हर चीज़ दा ना एक time होंदा है। जिदा सोनी दे नाल जिहड़ा गाना आया आ गया नहीं like साड़ी deal got signed up back in December, but ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ देयर आर ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਹਾਊ ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੈਪਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ।
So Kaniya Dasaz had to happen before Aagyani could come. Jadon insaan successful hunda na, assi approach karde haan fir ohnu. Assi failures ch naal nahi khade hunde. Jadon suraj chadda assi salam karna shuru kar dende haan. So kinne loki edda de ne जो हुण पछाण रहे ने कि हाँ यार कुड़ी तो अपनी हुए था होंदे ना रिश्तेदार होंदे ने सो कितने ऐसे केसेस हुए सिमरन अभी तक आई थिंक इस चीज से हम लोग सब गुजरे हैं हम लोग सब इस दौर से गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं पर ये होता रहेगा हुंदे चढ़दे सूरज नु सलामा डूबदे नु कौन पुछदा है ना एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल माहौल में रही है यार ठीक है गाना सीगा ना ओना दा जग्गा जी दा गाना सीगा के ना चढ़दे सूरज नु सलामा एंड सच्ची गल मन्नो कि दिस इज वन लाइन ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਹਸ ਬੀਨ ਅ ਪੈਟਰਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਡਨਲੀ ਮਾਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਸਡਨਲੀ ਬਣ ਗਏ ਦੈਨ ਵੌਇਸ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਂ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਫੀਲ ਬੈਡ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ अशोक वही बात कर रहे थे The very first thing that I said on the mic आज के दिन में was कि हम लोग actually हताश तब होते जब acceptance हम नहीं रहते अपनी ज़िंदगी में when we fail to accept the things है ना कि यार ये चीज़ हो गई है मेरे नाल असी को देख गमची डुबे रहने हैं यार ये हो गया क्यों हो गया क्यों नहीं हुआ तो लाइफ कितनी प्लान्ड रही है सिमरन आज तक कितनी अनप्लान्ड रही है कनिया दसाज मैं लास्ट ईयर 2022 च मैं गोवा च सी अच्छा सोलो ट्रैवलिंग ओके ते ए था बहुत हिम्मत वाली गल है इस चीज लिए कुड़ी कुड़ी नु ऑस्कर दो मैं कहना सोलो ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट आई पर्सनली कैन नॉट डू व्हाई आई डोंट नो मुझे तो समझ नहीं था अकेला खड़ा होकर करूंगा क्या यार वहां पे पर मैं सच्ची दसा दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं पिछले साल पहली बार सोलो ट्रैवल कीता सीगा एंड आई बट मेनू एक चीज समझ नहीं आंदी ठीक है जिन्ना सी फोन च डूबे रहने हां तुसी गोवा गए सपोजिटली तुसी एक बीच घूम ली ठीक है ना घूमोगे भी किदां मतलब उस घूमने में क्या-क्या इन्वॉल्व होता है यार कि आपने एक वॉक किया एक सिप लिया कुछ फोन चलाया कुछ सेल्फीज ली दैट्स इट उसके अलावा क्या होता है मैं यही सोच सोच के तो मैं यही सोच सोच के तो कर नहीं पाता You haven't tried it. मैं कर ही नहीं सकता मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है करूंगा क्या मैं सो मुझे भी पहले ये लगता था जैसे आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सोशली यू नो and I was sitting on a beach Anjana beach te main baithi si and loki hege nede tede hai na kise da romance chal raha hai kise da dil tutya hoya and something's happening everywhere and it was a peak monsoon par main na I don't know there was a certain zone that I was in me peh raha but I didn't leave the beach Achha. I was literally sitting there chhatri leke baithi hui hai but I didn't leave my space देख रही हाँ द सन वॉज सैटिंग इट वॉज ब्यूटिफुल एंड लहर चल रही ने बदल भी है आई ऑलवेज बिलीव आई एम नॉट सम प्रो राइटर सो आई डोंट राइट लिरिक्स लिरिक्स कम टू मी फिर पता नहीं कि दल से आया आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम गॉट क्लिक आई गॉट सो मेनी मैसेजेस कि यार इन गाने को पूरा रिलीज कर सो एग्जैक्टली वन ईयर लेटर दिस सॉन्ग हैपेंड एंड इट वाजंट सपोज्ड टू हैपन कनिया दा साज वाज सपोज्ड टू रिलीज आफ्टर द होल सोनी रिलीज बट क्योंकि सोनी दा रिलीज थोड़ा जा डिले हो रहा सीगा लाइक यू नो सिस्टमैटिकली सारा कुछ पार्ट के चक्कर च एंड वी वांटेड टू मेक श्योर कि असी सारा कुछ परफेक्टली प्लान करिए ओके मैं दोहरी से कि यार मेरे ना गाने इतने बने हुए हैं मैनु पच नहीं रहे लाइक व्हाई एम आई नॉट एबल टू पुट इट आउट सो देन आई स्पोक टू द मैनेजमेंट आई सेड कि लेट मी जस्ट रिलीज कनिया दा साज बिकॉज इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड आई डोंट वांट टू होल्ड इट बैक ठीक है रिलीज कीता
ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਕੀਤਾ 30th of June ਯਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਵਰਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਯੈਸ ਛੋਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੁਖੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅੰਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਈ ਸਪੋਕ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਈ ਸੈਡ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਯਾਰ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇਟ ਓਕੇ ਦਿਸ ਹੈਪਨਡ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਜਸਟ ਹੈਪਨਸ ਇਟ ਜਸਟ ਫਾਲਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਇੰਸਟਾ ਕੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਹ ਲੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹ ਲੋ ਆਪਕੇ ਰੈਟਰੋ ਗਾਣੇ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਬਹੁਤ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣੇ ਯੈਸ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅਫਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਆਈ ਮੀਨ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੱਜਾਦਰੀ ਦਾ ਰਾਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕੰਨੀਆ ਦਾ ਸੱਜਦੀ ਯੂ ਨਾਟ ਸੀਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈਵਨ ਸੀਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ 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 ਬ੍ਰੋ ਹਮ ਲੋਗ ਆਡੀਓ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮ ਲੋਗ ਆਡੀਓ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੰਨੀਆ ਦਾ ਸਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ it will have an interpretation in your head but like if you let me just tell you agar aap uska ek aur version release karo to this is like a ek suggestion chota jaha lokan ne inniya soniya reels banaiyan ne us gaane te kudiyan ne suit pa ke wohi keh raha hu wo cheez bahut khoobsurat hai isliye video dekhi nahi maine abhi tak that is the main reason because mujhe for a person like me theek hai na hum log kya karte hain jaise ladki samne suit mein aayi bas wahi pe har gaye वहीं पे खत्म और मेजरली रील ऐसी हैं या मौसम को लेके बनी हुई है या सूट को लेके बनी हुई है बहुत बढ़िया सो एक लाइन सुना दो यार हो जाए लाइन एक चलो सो दिस इज द पार्ट जेड़ा इंस्टाग्राम पे पिक हुआ एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड इट हैपेंड ऐसी जेड़ी ने वीडियो बनाई है लाइक इफ यू सी द वीडियो व्हेनेवर यू हैपन टू सी इट तो सी देखियो मैं उधर एसेंस ओ ही रखा है बिकॉज़ आई वाज ऑन अ बीच आई शॉट इट अगेन ऑन अ बीच एंड फुल लवर वाइब है हंस खेल के फुल चल चलिए सजना के जिथे होण अंबरां नाल गल्ला लैके रंग में फुल्लां तों लैके रंग में फुल्लां तों तेरे गल्लां उत्ते मल्ला चल चलिए सजना के जिथे होण अंबरां नाल गल्ला हां चन्न दी रज़ा अखे सोणिया क्या बात है तेरे मेरे राह को होने आ तेरे मेरे राह को होने आ बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं भी ना इसके कॉर्ड्स वहां से मिलते हैं तेरे पास जो बोतल नू रख से आने सोंदे बहुत प्यारा यार बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत हां कंपोजिशन हाँ। जेड़ी ऐसी जेड़ा बेचती दो बट फोक से बहुत प्यारा है ना ये गाना भी कहीं ना कहीं पे फोक से इंप्रेस्ड है वो मोटिवेटेड है ना बहुत ज्यादा तो अगर मैं एक पंजाबी फोक की बात करूं सिंस आजकल दी जनरेशन इज हार्डली यू नो कंसर्न्ड अबाउट द फोक म्यूजिक या रूट से कनेक्टेड नहीं है कड़ा फोक बहुत पसंद है पंजाब दा सो मैं जेडी अपब्रिंगिंग मेरी रही है आई जस्ट फील कि मेरी अपब्रिंगिंग इट्स फुली थ्रेडेड विद फोक एंड सूफी अच्छा बचपन तो मैं सिर्फ आगे सुनया समथिंग दैट्स रियली क्लोज टू मी जब मैं कॉलेज से सीखी तीन साल मैं तीन साल आपके कॉलेज नो अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग क्लासिकल समथिंग दैट स्टेड कांस्टेंट वाज फोक मैं तीन साल लगातार फोक क्लासिकल में सीखा हुआ है हां जी सी आर ग्रैंड मदर छुट्टी दे दो हम जाए यहां से मेरे गुरुजी कहते थे कि तुम्हारी ग्रामर बहुत जरूरी है लाइक इंग्लिश जितना बस यूथ फेस्टिवल बहुत कीते हुए ने फिर तो बहुत कीते है बहुत ज्यादा यू नेम इट मतलब मैं कली तो गजल भी सुन सकते हैं यार आज हम है ना कली कविश्री बार लेडीज ट्रेडिशनल एक कैटेगरी होती है एंड फोक तो मैं गाए सो फोक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मेरा मिर्ज़ा हैज बीन वेरी वेरी क्लोज टू मी सो मैं तीन साल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दे मिर्ज़ा गाए ने कली भी आंदी होगी फिर तो कली भी आंदी है अरे बहुत सुन और सूफी में
ਸੁਭਿਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਗਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ एक आपकी मैंने इंटरव्यू पढ़ी थी एक आर्टिकल पढ़ा था जो आपने अभी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे थोड़ा टाइम पहले आई वैस एक डेढ़ घंटा पहले उस लाइन मैंशन सी कि जे मैं किसी सिंगर का प्लेबैक करना हो या किसी की मूवी करनी हो या इदा कुछ करना हो ना दिलजीत दोसांझ का नाम तुसी लिया सीगा है ना कोलैबोरेशन है ना ड्रीम कोलैब इज मान साहब बट माय यू फील कनेक्टेड टू दिलजीत दोसांझ कनेक्टेड टू दिलजीत दोसांझ दिलजीत भाजी ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫੈਨ ਗਰਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਲਵ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਓਕੇ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀ ਏ ਦੇਖ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀ ਏ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀ ਏ ਸਰ ਅਭੀ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਆਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਹੈ ਈਪੀ ਕਾ ਪੂਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਐਂਡ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਈਪੀ ਹੈ ਸੋ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਈਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਹਮ ਉਸਕੇ ਡਾਲਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਹੋਲ ਈਪੀ ਉਸਕਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗੋ ਕੋ ਯੇ ਬਤਾਨਾ ਕਿ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਅਖ ਕਾਸ਼ਨੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਜੁਤੀ ਕਸੂਰੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਟੂ ਫੋਕ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮੇ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਲੀ ਬੜੀ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਮੇ ਹੂੰ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਗਰੋਨ ਅਪ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਫੋਕ ਨੰਬਰਸ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਕ ਫਾਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਹੀ ਬਾਤ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਪੀ ਹੈ ਦੀਸ ਸੌਂਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਫੋਕ ਸੌਂਗਸ ਦੀਸ ਆਰ ਫੋਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀਸ ਆਰ ਫੋਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਇਫ ਯੂ ਹਿਅਰ ਦ ਲਿਰਿਕਸ ਬੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਲੇਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਦੋਸ ਆਰ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨ ਆਲ ਦ ਸੌਂਗਸ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂਵੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਕੁੜਮਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟ so that is the whole concept okay. so jab tusi baki gaane vi sunoge kise ch kudi crib kar rahi hai kise ch kise hor da jidda na pinna ch beh ke aapa kise da mazak udaunde si mahol hunde sige those are the concept like very rich concepts but packaged in a very contemporary urban way mein theek hai so kya fans ke liye message hai ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि सबसे पहले तो मेरे गाने सुनिए बहुत बढ़िया फॉलो कीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक मैसेज जेड़ा मैं हमेशा देनी हां बी इट एनी इंटरव्यू बी इट एनी ऑडियंस इंटरेक्शन इज प्लीज अप्रिशिएट एंड प्लीज सिलेक्ट द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू लिसन टू क्योंकि बहुत कुछ है थाड़ी थाली च बर्गर्स भी ने फ्राइज भी ने बट तुहानू देखना पैना कि थाड़ी सेहत लई की वधिया वी आर वॉट वी कंज्यूम in terms of food in terms of conversations in terms of music in terms of everything so je assi aap da future bright chahneya je assi chahneya ki saadi future generations bahut matlab like with good values they come up I think it's very important ki assi pehla aap da taste sudhariye assi aap di plate nu badhiya rakhiye cheat meal zarur karo but stick to the dishes stick to your grounds please bahut badhiya thank you so much thank you so much thank you So 7.2